नमस्कार भाई दोस्तों, ये आप लोग अपनी चिंटूगुरी कब छोड़ सकते हो ये बताओ पहले तो मेरे को। बहुत भाइयों के मैसेज आए थे, फोन भी आए थे कि भाई तूने ना हरियाणा दिवस की बधाई नहीं दी। हरियाणा दिवस की बधाई, हरियाणा दिवस की बधाई दूं या भाई जो सिखों की निसल खुशी हुई थी उसका दुख मनाऊं? सोच के बताओ आप लोग क्या करना चाहिए। आज के दिन एक भाई को भाई से अलग किया गया और एक छोटे भाई को अलग करके और बड़े भाई को ऐसा जख्म दिया गया कि जिसकी भरपाई शायद ही जिंदगी में कभी हो पाएगी, शायद ही। हाँ, भरपाई हो सकती है। वापिस उस भाई को दे दो, छोटे भाई को बड़े भाई को दे दो, हरियाणा को वापिस पंजाब को दे दो, तो भरपाई हो सकती है। फिर तो हम भी भाई आपको मुबारकबाद दे सकते हैं, हम भी खुशियां मना सकते हैं। लेकिन यहां पे लोग क्या सोचते हैं, बस आज 1 नवंबर 1966 को हरियाणा दिवस, हरियाणा दिवस। अबे कौन सा हरियाणा दिवस है? ये हरियाणा दिवस था या मतलब कि आपके जो बड़े भाई को जख्म दिए गए थे वो दिवस था? क्या हुआ था 1 नवंबर को? आप सबको पता है, दरबार साहिब पर अटैक हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को अलग कर दिया गया, हिमाचल को अलग कर दिया गया, एक भाई के टुकड़े टुकड़े किए गए और हम उसकी खुशियां मना रहे हैं। कहां पे जा रही है हमारी सोच भाई? हमारी सोच कहां पहुंच चुकी है? सोच के देखना एक बार आप। हमारी सोच बिल्कुल गिर चुकी है, गिरी हुई सोच के मालिक बन चुके हम। हम उस चीज की खुशियां मना रहे हैं जब हमारी बर्बादी का दिन की हम खुशियां मना सकते हैं, तो इससे ज्यादा और गिरी हुई सोच क्या होगी हमारी? आप बताना एक बार। हमारे से ही हमारी ही बर्बादी की खुशियां मनवाई जा रही हैं। कमाल की बात नहीं होगी? कमाल की बात। और उससे कमाल ये, देखा ही नहीं, हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा शायद भगवान ने। यही बचाव था हमारा कि एक दूसरे को हम देख के मतलब जिए। भाई इसके साथ हो गया तो ये भी तो जी रही है, मेरे साथ हो गया तो जी रही है। एक रो रही है तो दूसरी उसको दिलासा देती थी, बेटा मत रो, मैं भी तेरे जैसी हो गई हूँ, मेरा भी बेटा गया है, मेरा भी आदमी गया है। तो जो वही है ना, एक दूसरे को देख के जब जाके हमने मतलब ये जिंदगी पार करी। हमने अकेले होते तो हम भी मर जाते, तड़प तड़प के कि क्या हुआ हमारे साथ। अजी जख्म तो अभी भी ताजा है, जख्म नहीं खत्म होएंगे, जख्म नहीं भूलेंगे, जब तक जिंदे रहेंगे तब तक याद रहेंगे। औरतें डरती थी, कोर्ट में जाने के लिए भी डरती थी। मैं उनको कहती थी कि भाई तुम पहले मरी पड़ी हो, हम कहाँ हैं जिंदे? हम जब हमारे सब कुछ लुट गया, मर गए, आदमी मार दिए, तो तुम कहाँ हो जिंदे? तुम भी तो जाओ ना कोर्ट में, मैं तुम्हारे साथ। एक एक को घर से निकाल निकाल के कोर्ट में मैं उनके साथ जाती थी गाड़ी में। दर्शन हैज प्लेड अ वाइटल रोल, नॉट ओनली एक दिनों के बाद में अटैची लेके आ गए, पैसों की 100-100 के नोट थे उसमें पूरे, कि आप इतना कुछ कर रहे हो वो है ये, पैसे ले लो, आप मत जाओ कोर्ट में, मत गवाही दो, आप पैसे ले। आज अगर मैं आज पैसा ले लेती ना तो मैं शहीदों का जो सौदा कर लेती ना, तो ना मैं सुखी रहती ना मेरे बच्चे सुखी रहते, कभी नहीं सुखी रहते। मैंने कहा आप सिख हो के मेरे को ऐसे बोल रहे हो, एक लेडीज को मैं कहा डराने के लिए आए हो घर में? और मैंने कहा ऐसा है, मैं पैसा लेके भी और कोर्ट में जाऊंगी गवाही देने के लिए, और पैसा भी रख लूंगी मैं क्या, और नहीं तो मैं क्या 12 बंदे मरे हैं मेरे, एक बंदा वापस ला के दो, मैं अपना आदमी नहीं मांग रही मैं क्या, मेरे एक बंदे ही ला के दे दो, कुछ कोई भी ला के दे दो मैं क्या। जो HKL भगत था उनको भी गए सम्मान, वो कहता मैं था ही नहीं, मैं था ही नहीं, मैंने एक बार ही देखा था उसको, पहली बार ही। चश्मा लगाया वो थाने काला और सफेद कुर्ता था, सब पजामा था। वो आया तो वो सारे जितने भी लोग थे ना मारने वाले और पुलिस भी साथ में थी, वो नेता की तरफ भाग रहे थे, तो हम भी नेता की तरफ भागे थे, हमारे को बचाने के लिए आगे, बचाने के लिए आगे। कहने लगा बड़ों को तो तुम मारोगे लेकिन छोटे बच्चों को भी मारो, कि ये भी सांप के बच्चे सपोले हैं ये भी। सोच के देखना एक बार आप, सिक्कू की कैसी नस्ल खुशी हुई होगी, कैसी मतलब के छोटे छोटे बच्चों को। अरे और तो छोड़ो आप, 2 महीने के बच्चे को बर्फ के ऊपर लिटा के मारा गया, बर्फ के ऊपर लिटा के। वो फोटो भी लगा सकते हैं, वो फोटो दिखा भी सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाओगे। दो दो महीने के बच्चों को भी मतलब नस्ल खुशी की गई उनकी, सोचने वाली बात है। और हम उसकी खुशियां मना रहे हैं। हमारी हालत देखो क्या बना दी गई है, हमारा DNA अलग, हमारा खून अलग, हमारा सब कुछ अलग है, कौम वखरी, इतिहास वखरा, और फिर हमारे को आपस में लड़ा दिया गया, जाट जट जुट, ये अलग वखरी कौम है, ये अलग वखरी कौम है, ये
हालांकि कुछ भाई बोल देते हैं भाई आप जाट जट जुट बोलते हो ना, तो इससे 80-20 भाई नाराज हो जाते हैं। 80-20 भाई उसी में शामिल है, सिखों में शामिल है। सिखों के अंदर कोई जात पात नहीं होती, सिखिम को जाति पाति नहीं होती। बाबा नानक ने इसलिए सिख की सजाई थी ताकि आप इस जात पात के झगड़े से बाहर निकल सको। आपको चलो आज एक चीज बताते हैं, शायद ही कभी बताई गई होगी आपको। अपने जाति बोलते हैं चमार जाति बोलते हैं ना, चमार बोल देते हैं ना अपने, चमारों का भी वही टाइटल होता है और जाटों का भी वही टाइटल होता है। फिर हम अलग कैसे हैं, फिर हम अलग कैसे हैं? चमार या जाट अलग कैसे हुए जब इनका टाइटल एक है? टाइटल एक है तो अलग कैसे हुए? वही टाइटल वाल्मीकियों का भी होता है, फिर हम अलग कैसे हुए? हमारे को अलग किया गया सिस्टम के तरीके से, हमारे को जानबूझ के अलग किया गया ताकि हम बटे रहें जातियों के अंदर, धर्मों के अंदर बटे रहें हम। हमारे को जातियों में बांटा गया था, मानस की जात सब एक, बाबा नानक ने बोल लिया था। जो मानस होता है ना उसकी जात एक ही होती है, अलग अलग जातियां कहां से आ गई भाई, कहां से आ गई अलग अलग जातियां? ये चमार है, ये वाल्मीकि है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये फिलाना, ये ढमकाना है, कहां से आ गया ये, कहां से आया, कौन लेके आया? इसके बारे में पहले शोध करो, तब आपको पता लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि हमारे को जानबूझ के बांटा गया था, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हमारे को अलग किया गया था। टाइम समय से पहले सिक्खी के अंदर आ जाओ, नहीं तो ना आप लोग बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। बाबा नानक ने इस पाखंड के ऊपर चोट मारी थी, जो जातियों का पाखंड ना, इस पाखंड पे चोट मारी थी। चलो आप अपने भगवानों को ही ले लो, अपने भगवानों को लो, हर एक भगवान के साथ आ रही है, हर एक भगवान, राम ले लो, कृष्ण ले लो, शिवजी ले लो, सारे भगवान तो केसा आ रही है। फिर हम बगैर केसों के हम कैसे रहे, हम कैसे हो गए, हम बिना केसों के कैसे रह रहे हैं? सोच के देखना, एक बार सोच के देखना, ये चाल कहां से खेली गई, ये जो मन्नू टन्नू है ना, ये हमारे साथ ऐसी ऐसी चालें खेलता आया है और हम उन चालों में फंसते आए हैं उन चालों के अंदर। इन चालों से बाहर निकलो, इस मन्नू टन्नू को ना जवाब दो, ठोक के जवाब दो, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए, हमें हमारा खालसा राज चाहिए, खालसा राज पूरी दुनिया में चाहिए, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, खालसा राज पूरी दुनिया के अंदर चाहिए हमारे को। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ होते हुए शिक्षा का इतना बड़ा लेवल बना दिया कि विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। एक खालसाई सिक्का $18 में आता था और आज एक डॉलर $85 में आ रहा है, एक डॉलर $85 में आ रहा है। सोच कर देखो आपको कहां से तोड़ा गया था। अगर वही खालसा राज, वही खालसाई सिक्का लागू होता है, सोच के देखना आप कितनी तरक्की करोगे। सोच के देखो आप एक बार, सिर्फ सोच के देखो, आपकी समझ में आ जाएगा सब कुछ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो लगे रहो भाई तू फलानी जाति का, तू ढिमकानी जाति का, तेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये। सभी धर्म सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ है सभी जातियां सभी धर्म। बस इस पाखंड से बाहर निकलो एक बार, ये जो पाखंड आपके लोग बीच में फैलाया गया है ना, इस पाखंड से थोड़ा बाहर निकलो, तब आपकी समझ में आएगा कि हमारे को पाखंड में फंसाया जा रहा है, पाखंड में फंसाया जा रहा है। इस पाखंड से बाहर निकलो, बाहर निकलोगे ना तब आपकी समझ में आएगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा आपकी राय का। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अकोर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।